मैं हूँ प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बिग बॉस के घर में इस बार वीकेंड का वार एक दिन पहले ही हुआ। जी हाँ, सलमान खान इस बार शुक्रवार को ही घर वालों से मिलने आए। जो भी इस हफ्ते हुआ, सलमान खान ने उसी बारे में बातचीत की और बानी से भी बात की। बानी काफी नाराज नजर आई, लेकिन सलमान खान ने पूरी कोशिश की बानी को समझाने की कि अब जब स्वामी ओम घर से बाहर हैं तो उन्हें स्वामी ओम को इतनी फुटेज देने की जरूरत नहीं है और अपना मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। जिस पर बानी अपना आपा खो देती हैं और सलमान खान को जवाब देती हैं कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, उनको इम्यूनिटी नहीं मिली, उन्होंने टास्क अच्छे से किया। जब उनके ऊपर सुसु फेंका गया तब भी वो टास्क में खड़ी रही और वो कंप्लीट करती रही, तो बिग बॉस कैसे कह सकते हैं कि टास्क रद्द कर दिया। जिस पर सलमान खान ने बताया कि उनका जो बिहेवियर था वो काफ़ी इमेच्योर था। जो भी ये घटना घटी उससे बानी ने अपना माइक उतार कर फेंक दिया और वो काफ़ी देर तक उन्होंने पहना नहीं। वो जिद पर अड़ी रही कि जब तक उन्हें गौहर खान से मिलवाया नहीं जाएगा तब तक वो किसी से बात नहीं करेंगी और माइक नहीं पहनेंगी, और वो बार बार इंग्लिश में बात कर रही थी जो घर का सबसे बड़ा रूल का उल्लंघन है। तो इन्हीं सब हरकतों की वजह से बिग बॉस ने डिसाइड किया कि उन्हें घर का कैप्टन नहीं बनाया जाएगा। बानी ये बात समझ ही नहीं रही थी और सलमान खान के ऊपर चिल्ला रही थी। सलमान खान ने काफ़ी आराम से ये बातें सुनी और बानी को कहा कि वो अपना गुस्सा शांत कर लें और उन्हें बोलते हैं कि वो स्ट्रांग रहें और उन्हें स्वामी जैसे लोगों से अपने आप को बौद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब बोलकर सलमान खान बिग बॉस के घर से एग्जिट ले लेते हैं। आने वाले एपिसोड में देखा जाएगा कि अब क्या बानी शांत रहती हैं, कि क्या वो सलमान खान की समझाई हुई बात पर गौर करती हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।